सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर और मैं महेंद्र सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हमारा देखो क्या है कि ज्योग्राफी के अंदर अध्याय वन है कौन सा, भारत लोग और अर्थव्यवस्था में से पहला जो अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। भारत लोग और अर्थव्यवस्था ये हमारी भूगोल की बुक है तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बड़े प्रश्न पहले ही करवा रखे हैं और इसके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ और बड़े प्रश्न आप देख सकते हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इस अध्याय के बड़े जो प्रश्न है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और वैसे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि मारवाड़ी ज़्यादा नहीं बोलनी है तो मारवाड़ी आपका कम ही बोल रहा है नहीं, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वह राज्य जहां 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो उत्तर होगा गोवा। ठीक है, नहीं वह राज्य बताइए जो 2011 में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, तो नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो कहाँ है, गोवा के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वे राज्य जहाँ 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, वे राज्य जहाँ 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोनों ये अपोजिट है, यानी पहला क्वेश्चन देखो नगरीय जनसंख्या का पूछ रहा है और दूसरा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, और जनगणना कौन सी है, 2011 की। 2011 की अगर नगरीय जनसंख्या पूछ ले कि नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत यानी प्रतिशत सर्वाधिक किसका है, तो उत्तर गोवा का। इसी प्रकार 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक देखो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अरुणाचल प्रदेश में कम से कम, अरुणाचल प्रदेश में कम से कम जनसंख्या घनत्व है, तो कम से कम अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अपना बिहार। ठीक है, बिहार, तो ये क्वेश्चन आप चार नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला पांचवा क्वेश्चन है कि आप नोट कर सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर होगा बिहार। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा है कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, अब देखो जैसे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार होगा हमारा आंसर। ठीक है, और छठा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर होगा हरियाणा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर होगा केरल। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। भारत, क्वेश्चन नंबर आठवां है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए। देखो कम जनसंख्या की पूछ रहा है तो सिक्किम है, और अधिक जनसंख्या की पूछ ले यानी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमारा 5 से 9 क्वेश्चन थे, जैसे और हैं आगे लेकिन देखो पहले इनको नोट कर लीजिए 5 से 9 तक। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। और नवा क्वेश्चन है कि जनसंख्या सब भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। और बाहर बहुत शोर हो रहा है क्योंकि अभी शादी है आपको मालूम है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला दसवां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों 121 करोड़। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य, तो देखो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य सबसे उत्तर प्रदेश है, और दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल, और पाँचवें पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक बताइए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो जैसे जलवायु है, धरातल है, खनिज संसाधन है, परिवहन के साधन है। ठीक है, नहीं तो ये जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। ठीक है, और भी कारक है जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक,
और भौगोलिक कारक हुआ, ठीक है। तो और भी हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले ये प्रमुख कारकों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 तक आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख सकते हैं। और बड़े क्वेश्चन मैंने दोस्तों बड़े क्वेश्चनों का वीडियो भी डाल रखा है, ठीक है नहीं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और वैसे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, भूगोल की प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे सब, ठीक है। जो भूगोल के वीडियो वो भूगोल की प्ले लिस्ट में मिलेंगे, और राजनीति विज्ञान के जो वीडियो है वो राजनीति विज्ञान की प्ले लिस्ट में मिलेंगे। तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट में ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ये हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, और बड़े क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इससे आगे देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? राष्ट्रीय युवा नीति, यह राष्ट्रीय युवा जो नीति है वो 2014 में आरंभ की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख समर्गों में बांटा है, जैसे कृषक हुआ, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। तो ये 4 प्रमुख श्रमिक हैं, ठीक है। यानी सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख समर्गों में बांटा, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। तो ये क्वेश्चन आप दोनों नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो कब आरंभ की गई, 2014 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि सन 2011 ने जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख समर्गों में बांटा, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, ठीक है। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं। तो ये आ गए हैं हमारे 15वां और 16वां क्वेश्चन। ये आपका कार्य है, आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है नहीं। आपको कमेंट में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में लिखना है कि कब हुई, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो ये 1872, 1870, 1885, 1891, ठीक है। ये मेरे मन से मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, अब आपको इनमें से लिखना है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो इसके भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1891, 1881, 1871, 1872। तो इसका आंसर क्या है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है, ये हमारे 16 जो प्रश्न है, यानी पक्के कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, और ये मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हमारे जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे, और बड़े प्रश्न देखना चाहो तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है, और इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त होता है, थैंक यू।